मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंगरौली जिले के माजर मोड़ चौराहे पर। यहाँ पर पुलिस की चेकिंग लगी हुई है। आइए बात करते हैं इनसे सवाल। सिंगरौली की जनता करे पुकार, चेकिंग के नाम पर बवाल, आखिर क्या है इनका सवाल? जाने के लिए यहाँ पर उपस्थित पुलिस कर्मियों से आइए बात करते हैं और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से बात करते हैं। आखिर चेकिंग के नाम पर आए दिन बवाल क्यों होता है? बवाल होने का कारण क्या है? कैमरा इसमें सर, यहाँ पर चेकिंग लगी हुई है आप लोगों के द्वारा, आखिर यह चेकिंग किन किन लोगों के लिए लगी हुई है? किन किन लोगों के लिए लगी है? सभी लोगों के लिए लगी है जी। इंश्योरेंस और हेलमेट का और तीन सवारी का चालान जी। जैसा कि यहाँ पर लगातार देखा जाता है, आप लोग जागरूक करते हैं फिर भी लोग हेलमेट नहीं लगाते, लेकिन आए दिन दुर्घटना हो जाता है, इस बिंदु पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चेकिंग लगाई जाती है ताकि दुर्घटनाएं कम हो, लोग जागरूक करें, उनका रसीद काटी जाती है। अभी कैसी चेकिंग लगी गई है, इसमें क्या क्या चेक हो रहे हैं? बीमा, इंश्योरेंस, बीमा और तीन सवारी जी। आप देख सकते हैं माजर मोड़ तिराहे पर आने जाने वाले लोगों को रुकाकर आइए बात करते हैं, आखिर इनकी क्या कहते हैं इस चेकिंग को लेकर। भैया, जैसा कि अभी आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां पर रोका गया है, जहां तक मेरे समझ में आ रहा है हेलमेट को लेकर रोका गया है, तो भैया आप हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हैं या क्या कारण है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? थोड़ा तेज़ी से बोलें ताकि सभी को सुनाई दे। नहीं, एक बात बताइए, हेलमेट तो आपकी सुरक्षा के लिए प्रशासन बोलती है। हॉस्पिटल में अचानक फोन आया, गए घर में छुट गया सर, दिया रुपाई कर रहे थे, अचानक वही कृषि वाला जो हमारा धान का जिससे ये तो। क्या हेलमेट आप रोजाना पहनते हैं? हाँ, रोजाना पहनते हैं सर। श्रीमान जी आज जुट चुका है हड़बड़ी। ये वही हेलमेट को लेकर, बढ़ते दुर्घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हेलमेट बहुत जरूरी है, धोखा छूट गया है।